वेलकम टू एसएमसी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीच की दूरी ज्ञात करना। निर्देशांक ज्यामिति जो हमारे पास प्रश्न आ गया उसके अंदर हमारे पास 7.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो वो हम सीखेंगे। तो हमारे पास एक रेखाखंड है, यानी कि एक रेखाखंड है ये, जिसके अंदर हमारे पास बिंदु ए और बिंदु बी है। इस बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करना है डिस्टेंस। ठीक है, एक हमें निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 3 और बी के हमें निर्देशांक दिए गए हैं 4 और 1, यानी कि x1 और y1 तो ये है हमारे पास, और x2 और y2 ये है हमारे पास। ठीक है, और हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। और दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र यानी कि d बराबर हमारे पास होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर x2 हमारे पास क्या दिया गया है 4 और x1 क्या दिया गया है हमारे पास 2, घटाकर इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या दिया गया है 1 माइनस y1 क्या दिया गया है हमारे पास 3, इनको घटाकर इसका स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हमने वैल्यूज लिखी है हमें इसके अंदर सूत्र के अंदर, हमने जो सूत्र दिया गया है उसके अंदर हमने सिर्फ वैल्यू लिखी गई है, वैल्यू ही हमने उसके अंदर डाली है। अब वैल्यू लिखकर हम उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि d बराबर 4 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से हम -3 निकालेंगे तो -2 बचेगा उसका स्क्वायर, यानी d बराबर 4 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया स्कोर। अब d बराबर 4 कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, अब इसे अंडर रूट 8 को और सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? इस प्रकार से करेंगे, हम 2 का भाग देंगे 4 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार गया, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हमारे पास निकल के आ गए। इसमें एक जोड़ा बन रहा है, यानी कि 2 गुणा 2। ठीक है, एक जो हमारे पास जोड़ा बन रहा है, तो क्या निकल कर आ गया? डी बराबर अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं तो आपके पास अंडर रूट 8 ही आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 8 ही आएगा, यानी कि डी बराबर ये हमारे पास एक जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बनकर बार सिंगल में आ जाएगा, यानी कि ये दो के डबल जोड़े बन रहे, एक जोड़ा बन रहा है, ये एक सिंगल बनकर 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट 2 ये हमारे पास मात्रक, ये हमारे पास डी का मान आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम दूरी निकालते हैं, बीच की दूरी इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो आई होप कि आपको बीच की दूरी निकालना समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।